या लापरवाह श्रीनिवासा हॉस्पिटल में हुई और डॉक्टर की वजह से हुई और डॉक्टर इंजेक्शन देने की वजह से ही बच्ची मर गई। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, एक कुत्ता नहीं है हॉस्पिटल में, हमारे सिवा एक कुत्ता नहीं है। डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम बच्चों की जान जा रही है। आए दिन हॉस्पिटल की लापरवाही के वाक़े रोनुमा हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है मैलरदेव पल्ली पीएस लिमिट में। श्रीनिवास हॉस्पिटल की लापरवाही से एक 6 साल मासूम बच्ची की मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मौत वाकई हुई है। बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर को बच्ची को साइनस की प्रॉब्लम की वजह से श्रीनिवास हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने 55,000 के पैकेज का ऑपरेशन करने को कहा, जिसके बाद बच्ची को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद फौरी बच्ची की मौत वाकई हो गई। मौत के फौरन बाद ही बच्ची के घर वालों ने हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज किया। आइए नाज़रीन सुनते हैं मज़ीद तफसीलात घर वालों की ज़ुबानी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। आज जो ये श्रीनिवासा हॉस्पिटल में जो है ना, मेरा बच्ची मर गया है, मेरा ब्रदर का बेटी है, साइनस प्रॉब्लम बोल के हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, खाली ट्रीटमेंट कर रहे बोल के खाली तमाशा करके कुछ इंजेक्शन दे दिए, वो इंजेक्शन से पूरा इन्फेक्शन होके लंग्स में पूरा खून आके बच्ची स्पॉट में डेड हो गई। और स्पॉट डेड होने से यहाँ से हमारे को वो लोग बोले भी नहीं, यहाँ से अनामत दूसरा हॉस्पिटल को शिफ्ट करने का कोशिश करे थे। हम पीछे से जाके पूछे कहाँ ले जा रहे, बोले तो यहाँ मेहदीपट्टनम में दूसरा एक हॉस्पिटल ले जा रहे बोल के। हॉस्पिटल में एक नर्स, एक डॉक्टर और पीछे एक दो नर्स उनके साथ में गए हुआ है, वहाँ जाके वाले हॉस्पिटल में वहाँ लगा दिए, लेकिन क्या प्रॉब्लम के लिए लेके आए अभी वहाँ पे बोले भी नहीं वो डॉक्टर को। वहाँ पे वो अंकुर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा उनको भी नहीं पता है क्या प्रॉब्लम से लेके आए। यहाँ से बच्ची को लेके जाते टाइम पे ही बच्ची मर गई। सोए वहाँ जाने के बाद में हम पूछे साहब डॉक्टर साहब क्या हुआ, बोले तो ये क्या इंजेक्शन दिए, हमारे को समझ में नहीं। अंकुर 29 को लेके आए, बच्ची का एज 5 साल है। क्या हुआ था, जो साइनस प्रॉब्लम बोल के नाक में वो छोटा क्या बोलते ऐसा सोने के बाद में ऐसा घुर के आते ना, और घुर के 29 को लेके आए। उसके बाद में 8:30 बजे तक भी ट्रीटमेंट कर रहे बोल के बोले, ट्रीटमेंट कर लिया, नॉर्मल इंजेक्शन कुछ दे रहे थे और लोग डॉक्टर साहब क्या बोले कि इनको ऑपरेशन करना है, बोले तो ठीक है भाई जो ऑपरेशन करते हो करो, बोले तो उसके 55,000 रुपये कुछ पैकेज बात करे अच्छी बात बोल के पैसे भी बने हम। बाद में 8:30 बजे कुछ इंजेक्शन दिए, कुछ इंजेक्शन वो एनेस्थीसिया क्या की वो ड्रग इंजेक्शन क्या दिए नहीं मालूम, वो इंजेक्शन देने के 10-15 मिनट में बच्ची मर गई, स्पॉट में मर गए, यहीं पे मर गए, यहीं पे बच्ची मर गई। फिर यहाँ से वो लोग आए हमारे को बिना बोले एम्बुलेंस में चढ़ा दिए, एम्बुलेंस में चढ़ा के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का कोशिश करे। ये श्रीनिवास हॉस्पिटल दुर्गा नगर मैलारदेवपल्ली में, ये अंकुर हॉस्पिटल गुड्डी मलकापुर में, कोहिनूर फंक्शनल जो है ना गुड्डी मलकापुर चौरस्ते के पास है, अंकुर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का कोशिश करे। ये 8:30 बजे यहाँ पे अंदर लेके गए, उसके बाद में हम 9:30 बजे से हम घूम रहे उधर इधर, यहाँ पर हुई है रास्ते में डेथ, यहाँ पे 101% डेथ यहाँ पे, यहाँ पे 40,000 पे करे, वहाँ पे 25,000 रुपए कुछ बिल हुआ, उन्होंने बोला ना वही कुछ बिल है अपन कल बात करेंगे बोल के भिजा दिया हमारे। ऑलरेडी मेडिसिन का बिल 15,000 रुपए का एक रिसिप्ट मेडिकल शॉप में करे थे, और उसके बाद में 10,000 का एक एडवांस एक बने थे, और एक 10,000 का मेडिसिन का रिसिप्ट भी हमारे पास। हॉस्पिटल में भेजने का मतलब क्या है, रिचार्ज यहाँ से कहीं बुलाया अपना बच्ची यहाँ पे हमारी बोल के हम यहाँ पे लेके असल क्या इलाज करे यहाँ पे बोल के एक केशिट में ये जो है ना यहाँ पे जो डॉक्टर पहले ट्रीटमेंट क्या करा बोल के हम पूछने के वास्ते आए यहाँ पे। बच्ची 9 बजे तक जिंदा थी, खाली बिली एक दूसरा इंजेक्शन देके बच्ची को मार दिया। वहाँ पे दिख रहा ना आंखों से दिख रहा और यहाँ से फिर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में वो डॉक्टर बोल रहा है यहाँ पे आने के बाद हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करे, बच्ची को जैसे लाए वैसे आपके आगे है देखो बोल। क्या लगता है लापरवाही कहाँ हुई और किसकी लापरवाही? लापरवाह श्रीनिवासा हॉस्पिटल में हुई और डॉक्टर की वजह से हुई, और डॉक्टर इंजेक्शन देने की वजह से ही बच्ची मर गई। और डॉक्टर का नाम कुछ विकास कुछ बता रहे, हम खाली पूछने के वजह से आए, डॉक्टर साहब को पूछने के वजह से आए, तो वो चेयरमैन जो है MD उन्होंने CC कैमरा में देखे 100 को फोन करके इतने गाड़ियां भेजा।
पुलिस वाले को भी जाए तो कुछ बोले पुलिस वाले आपको? हमारे को पुलिस वाले अभी तक कुछ भी नहीं बोले और उन्होंने भी मैनेजमेंट वालों को बुलाने का कोशिश कर रहे लेकिन अभी तक उनका फोन का रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। हमारा जान दो और पुलिस वाले उनका फोन का भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, एक कुत्ता नहीं है हॉस्पिटल में, हमारे सिवा एक कुत्ता नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, उसमें रिसेप्शन वाला एक है और हमारा हम हाथे की उन्हें बाहर आ गया। हाँ बराबर कम्प्लेंट देंगे, जो पुलिस का कार्रवाई जैसा होगा और पुलिस वाले देख रहे और जैसा कार्रवाई होने का वैसा होता। बच्ची का भी देखो सर ये देख लीजिए ज्यादा दिए बोलते आज का ही छे है, ये आज का ही छे छोटे बच्चे को 500 mg देते सर। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।